नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। खबर रिडमिल सर के निर्वाणा से है, जहां जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष अमरजीत सिंह भुट्टर ने किसानों के लिए भरपूर विकास कराने का आश्वासन दिया है। भुट्टर ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता निर्वाणा का विकास है और इसके लिए संगम की ओर से समय समय पर सफाई के साथ साथ किसानों के लिए पक्के खालों का भी निर्माण करवाया जाएगा। इस कार्य की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। किसानों के हित में कई कदम उठाए जाएंगे, जिसमें पानी चोरी पर रोक लगाना और सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना शामिल है। न्यूज 21 के संवाददाता निशांत सतराना ने जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष अमरजीत सिंह भुट्टर से विशेष चर्चा की। देखिए रिडमिल सर से निशांत सतराना की खास रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ निशांत सतराना। लगातार हम क्षेत्र की खबरों से अपडेट करवाते रहते हैं। आज हम पहुंचे निर्वाणा महिला में, उनके अध्यक्ष अमरजीत सिंह जी भुट्टर हमारे साथ हैं, जो किसानों की लगातार सेवा करने में सक्रिय रहते हैं और किसानों के लिए हर समय तैयार रहते हैं। चाहे किसानों की कोई भी समस्या हो, उसको प्रमुखता से उठाने के लिए हर प्रशासनिक अधिकारी को अपने कह सकते हैं कि प्रशासन तक कहीं ना कहीं वाद पहुंचाने के लिए सक्रिय नजर आते हैं। तो बिल्कुल आज हमारे साथ हैं, जानेंगे इनसे क्या कुछ इनका विशेष मुद्दे थे जब इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। और सबसे प्रमुख बात अगर करें तो किसानों ने इन्हें जो मान सम्मान दिया है वो बिल्कुल आप काबिल तारीफ है, क्योंकि जब अध्यक्ष पद पे निर्विरोध पद पे बिराजा जाता है और चुनाव ना होना अपने आप में ये बड़ी बात रहती है, क्योंकि चुनाव तब होते हैं जब राजनीति सक्रिय हो जाती है। लेकिन जब किसान सभी सक्रिय होकर निर्विरोध अध्यक्ष पद पे निवासते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी किसानों को आवाज उठाने वाला बुलंद एक मसीहा मिल जाता है। तो जिया ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, अमरजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। भुट्टो साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भुट्टो साहब, सबसे पहले पूरा परिचय बताएं आपका, राजनीति क्या कुछ परिचय आपका। राजनीति तो कही सर जिम्मेदारा करते थे जी, छह कामों ने मिल के आपको बनाएंगे अध्यक्ष जी, तो उन्होंने निर्विरोध बनाया। मैं छह कामों के सहयोग से चलो नहर की सफाई है, किसी अफसर को मिलना है, कोई काम करना है, तो मैं मेरे घर से खर्चा लगा के सहयोग दे रहा था। तो इन्होंने बोला छह गाँव ने भी आदमी चलो भाई भाग फिरने वाला है, जैसे सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर के पुराने सहयोग से जुड़े हुए हैं, उनके कारण लोगों ने क्या भी आपको निर्विरोध बनाएंगे, तो छह गाँव ने मेरे को निर्विरोध बनाया। वोटर साहब, आप तो सक्रिय हो शुरुआती दौर से, जब किसानों के जब अध्यक्ष पद पे चुनाव नहीं हुए थे, अगर बात करें पहला से आपने किसानों की सेवा की है, उसका परिणाम आज देखने को मिला है कि आपको निर्विरोध पद पे नवाजा है अध्यक्ष पद। सबसे पहले जानना चाहूंगा उन किसानों का क्या कुछ शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने आपको अध्यक्ष पद पे नवाजा, और आपका जो आपने समय दिया था किसानों को, चाहे वो नया संबंधित हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, किसानों की आपने आवाज को बुलंद किया, तो नवाजा उनके लिए क्या धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। मैं मेरे छह गांव के किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनको बिना अध्यक्ष पहले मैं सहयोग देता था, फिर वो छह गांवों ने मेरे को जुड़ के ये अध्यक्ष पद दिया, मैं तो छह गांवों का पूरा धन्यवाद देता हूँ। भुट्टो साहब, एक बात बड़ी बात रहती है अपने आप में, जब कोई निर्विरोध अध्यक्ष पद पे नवाजता है ताकि अपना विकास हो, किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए कोई सक्रिय नेता सामने, नेते के साथ साथ आपने एक शान समझकर किसानों की पीड़ा को समझा है। सबसे पहले आप चाहूंगा आपके माइनर के क्या कुछ हालात। हमारे 8 नंबर से पहले तो ये बात अभी से चलती है जी, इसका जो बेड लेवल था जी बहुत शुरू से लेके गलत बना है जी, उसी टाइम से मैं ये जो कर रहा हूँ हमारा पूरी एनएमपी नहर खराब हो चुकी है। फिर मैं 8 नंबर का मेन का अध्यक्ष हूँ छह मौकों का जी, छह मौकों की हमारी जितनी भी कसी है सारा बेड लेवल है खत्म है जी, खत्म है। फिर मैंने ये अध्यक्ष बनने के बाद मेहनत करी भी ये इसको दोबारा बनाने की कोशिश करें। एनएमपी मेन के भी हमने कहा कोई लेटर बनवाए दिए भी हमारी नहर का सर्वा दोबारा होना चाहिए, जैसे हमारे ये चेयरमैन जी बनाए हैं इनको भी मैंने 2-3 दिन बोला भी यार अपनी एलएनपी का बहुत मंदा हालात है, अगर आपने जनता ने अपने को बनाया है तो अपन कुछ न कुछ भाग दौड़ करें। बिल्कुल, तो
बनते ही हम दो दिन की सफाई भी करवाई, फिर भी अभी भी संयोग यही कर रहे हैं। जब बोलते हैं मैं रतनपुरा है जो 77 है, वो मेरे पास ही फोन करते हैं यार वो चलो यार आप ला के कुछ करें जी। फिर भी जितना कमाई कोशिश होती है उतना काम फिर के साथ गांवों में जाते हैं। गंगानगर जरूरत है ऐसी तही है टैक्सी तही है क्यों तही है तो मेहनत करते हैं। सुनने में बुट्टू साहब ये भी आता है कि अमरजीत जी मेरठ से जो आपके खास मित्र थे आपने LLP की उनको पीड़ा भी बताई है और आपने टोटल डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवा लिए ताकि एक अच्छा निर्माण हो अंतिम जो तक के किसानों को पूरा सिंचाई पानी मिल पाए। तो क्या कुछ आश्वासन मिला, मतलब क्या कुछ उनके द्वारा आश्वासन दिया गया? जो गए चीफ साहब को समस्या दसी जी, इसी कम से कम 60-70 आदमी थे वो पहले हमारे एससी थे यहाँ जी। जब उनको पता लगा कि ये एलएलपी क्षेत्र वाले आए हुए हैं तो उन्होंने बोला कि सारे आ जाओ अंदर, पूरी हमारी बढ़िया उन्होंने समस्या सुनी। हम बोला कि हमारी नहर का बहुत मंदा हालात है, उन्होंने कहा मैं भी एसी से बात करता हूँ। एसी से बात की फिर हम बोले कि हमारी नहर का ये बेड लेवल बहुत खत्म है। वो बोला कि मैं जयपुर जाता आता रहता हूँ तो कोई बात नहीं, आपकी एलएलपी का मैं मुद्दा रखूंगा। उन्होंने चीफ साहब ने हमारी बहुत एलएलपी की मेहनत भी की, मुद्दे भी रखे और भी उन्होंने कई भी कोई लेटर है वो उन्होंने निकाले। पर देखो अभी क्या होता है मैं जानना चाहूंगा अध्यक्ष साहब एक बात आपसे और भी। डॉक्टर साहब जिस प्रकार LNT का निर्माण हुआ तब मतलब जिम्मेदार अधिकारी कहाँ थे जब बेड लेवल पे मतलब कहीं ना कहीं शेयर करना है? जब टाइम है जी जिस टाइम में ये बनी है ये अधिकारी हो पहले यहाँ के जी ने नाले मेन वो हमारे जो उन्होंने बेड लेवल किया कि जमीने भी यहाँ है पर उन्होंने पता नहीं क्या सोच से किया या में क्या होता है पता नहीं क्या कबलापाजी की वो मुंड से लेके नीचे ही नीचे ले आई बेड कहीं ऊंचा कहीं नीचा कर दिया। अभी 8 नंबर से मेरी कश्ती है पूरी की पूरी खत्म है, बहुत मंदा हालात हमारे 6-7 हिस्सों से पानी हमारे ऊपर नहीं होता। हर 15 दिनों से ये तो मेरे 6 गांव बहुत अच्छे हैं, हर 15 दिनों से हम सफाई करके पानी 8 हिस्से होता है तो नहीं पानी 5-6 हिस्से से पानी नहीं बदला है। जिस प्रकार आपने अपने कसी की बात बताई अपने एक छोटे महीने की बात बताई उसमें मतलब कब निर्माण हुआ था और कैसे हुआ था और अब मौके की स्थिति क्या कुछ है जर्जर स्थिति है या फिर क्या कुछ? अब सब खत्म ही है नहर हमारी, नहर तो पूरी LNP खत्म है। जब सफाई करते हैं इन्हें लगाते हैं फिर नीचे ट्रैक्टर उतारते हैं लोडर, वो लोडर क्या उतारते हैं वो नीचे ही चले जाते हैं पूरा बेड उठकड़ा नहर का, सेटें ठीक पड़ी है बेड खत्म है। तो ऐसे ही हमारी ये 8 नंबर से कस्सी है इसका भी बेड लेवल खत्म है। इसके मैंने काई को भी बनवा के भी दिए पर अभी कोई सुनाई नहीं हो रही। हमारे एसी ठीक आदमी अरे वैक्सीन साहब आए बैठे हैं वो जो सहन कर दे तो हमारी कोई LNP का सुधार हो जाए। अब जानना चाहूँगा अध्यक्ष साहब मैं आपके जो क्षेत्र अधिकार के खाड़े कौन कौन से आ रहे हैं मतलब कौन कौन से चक्के आप? मेरे 6 गांवों में खाड़े अभी 2 साल हुए हैं 3 साल, 6 गांवों के खाड़े करीब करीब सारे पक्के बन चुके हैं। जैसे कोई कोई नक्का है फटी है टूटी है वो वैसे कोई गाँव वाला नहीं लगाता तो उसको हम कह देते हैं यार मेरे से ले जा 500 नई फट्टी ले आगे लगवा ला। खाड़े कोई एक तो मरबे मरबा कोई रहता हुए गाँवों में तो नहीं, बाकी करीब करीब काले 6 गांवों के पक्के हैं। बुट्टू साहब ये अपने आपके कार्यकाल में निर्माण करे हुए? कुछ मेरे काल में है कुछ पहले 79 LNP का सुखदेव सिंह था उसी के टाइम हुए है। अब मैं जानना चाहूंगा खाड़ों की स्थिति ठीक है? जिस प्रकार आपने एक किसानों को ऑफर दिया कि अगर पानी की फट्टी की जरूरत है तो बिल्कुल आप अपने कह सकते हैं कि आप सक्रिय होकर उन्हें पानी की फट्टियां भी उपलब्ध करवाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पहले अध्यक्ष हमने विजिट किए कि जो आज तक किसानों का इतनी पीड़ा को समझते हो। बिल्कुल जी, मैं तो शुरू से लगे जिस दिन निर्विरोध बनया है ना, जैसे जो हमारे गाँव के किसी का विवाद है कोई भी नीचे सरकारी खाले से नीचे कोई खाड़ा है कच्चा है तो वो किसान लड़ रहा है तो मैं उसको बोलता हूँ यार मेरे से 500 ईंट लिया कोई 2 गट्टे सीमेंट लिया ले आके मिस्त्री लगा के बनवा ला विवाद क्यों करता है। तो ठीक है मेरे गांवों में चेक जितने भी किसान हैं मेरी मानते हैं तो
तो एक अध्यक्ष साहब और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार आप पानी की पर्चियाँ किस प्रकार वितरण करते हो, आपको जब निर्विरोध बनाया गया क्या कुछ मतलब किसानों से आपने समझाइश की, और पानी पर्चियों के लिए ताकि किसानों को इधर उधर भटकना ना पड़े, कभी विवाद हो जाता है तो उस मामले को किस प्रकार आप समझते हो और किस प्रकार सुलझाते हो? मेरा ये मतलब है, ये मैंने मेरा वाटरमैन रखा है, बहुत बढ़िया आदमी है। जैसे हम 2 साल से पर्ची फोड़ते हैं, साल से दिन रात फोड़ते हैं, 2 सालों से नक्के की खिंचाई भराई फोड़ देते हैं, फिर भी पर्ची बंटने के बाद हम पहले सभी किसानों के बयान लेते हैं। जैसे आज मेरे काम का है कि 80 के सारे किसानों के बयान लिए, वो हमने प्रपोजल बना ली, वो हम पास करवा लेते हैं, फिर वो प्रपोजल लेके गांवों को 6 गांवों को दिखा देते हैं भी अभी भाई किसने कोई 2 मिनट आगे पीछे करना है तो अभी कर लो। पर्ची जब बन गई, पर्ची बंटने के बाद फिर बहुत मुश्किल होती है, फिर नहीं होगी। तो मैं करीब करीब जो प्रपोजल मेरा वाटरमैन बना देता है वो करीब करीब किसान उससे सहमत रहते हैं, सही बनी हुई है। डॉक्टर साहब एक बात और समझना चाहूँगा आपसे मैं, कि जिस प्रकार आप बयाने की बात आ जाती है, अभी हाल ही में बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक किसानों को जो मामला छूटी आई है, ब्याज छूट मिली है, तो उनके लिए क्या कुछ किसानों को अपील करना चाहोगे? क्योंकि जो आपका जोन है उसमें कहीं ना कहीं बड़े खते भी होते हैं जो काफ़ी रिकवर करने में बड़े मुश्किल आती है, उनके लिए क्या कुछ अपील करोगे? भाई साहब मेरे 6 गांवों का मामला है ना, तो देखो करीब करीब मेरा मामला आ जाता है, एक आधा घर कोई रहता है तो अभी ये 9वें महीने हम लेंगे तो उसमें वो दे देता है। मेरे तो जब का मैं बना है किसी से ब्याज मैंने लिया ही नहीं है, चमाई का चमाई हमने जैसे मामला पास करवाया तो हम जैसे आज मेरे काम में है चाहे कैसी में स्पीकर में आवाज़ दे देते हैं भी कल मेरा वाटरमैन हम आएंगे तो भैया मामला भरो। तो एक जगह जमें कैसी में एक जगह बैठ गए तो सारे किसान हैं वहाँ आके अब वो अपना मामला भर के रसीद लेके प्राप्त कर लेते हैं। तो दूसरे दिन 78वें चले गए, ऐसे दोबारा एक आधे दिन 2 दिन छोड़ के जाते हैं तो करीब करीब काम क्लियर हो जाता है। अध्यक्ष साहब जिस प्रकार कोई आपके कार्यकाल में जिस प्रकार किसानों की कोई पानी विवाद को लेकर या मतलब कोई अन्य विवाद को लेकर नक्के विवाद को लेकर कोई ऐसा मामला सामने आया कि विवाद हुआ हो, जो आपने पंचायती तौर पे एक सुलझाई दोनों घरों को समझाया हो और वो मामला यहीं शांत हो गया हो? नहीं सर ऐसा मेरे 6 गांवों में नहीं है, थोड़ा सा था एक दो कोई मसले ऐसे, वो वैसे मेरे पास आ जाते तो मैं उसको बोल देता यार तू 5-7 मिनट पानी आके पीछे तोड़ ला, चाहे कोई बराई गया कोई किसने पीछे लगाया, तो वो थोड़ा घना आपस में रीस रोसा करते थे, पर मैं जाके कहता ना तो वो सेट हो जाते थे, नहीं बोलते थे। तो अध्यक्ष साहब एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार साफ सफाई आप कब कब करवाते हैं और कब कब जरूरत पड़ती है, और जैसे मान लो पूरा सर्कल आपका अंतिम छोर के आप अध्यक्ष हो तो आपको तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी? बिल्कुल ज़्यादा करनी पड़ती है जी, वैसे तो हमारी LNP पीछे से लेके साल में 2 बारी तो हमें करनी पड़ती है, चाहे तो वो कुछ तो हमारे को अधिकारी संयोग दे देते हैं, कुछ हम हमारे गांवों से चंदा करके, जैसे ट्रैक्टर है GVC जितने का हमारे होते हैं, अभी हमने पीछे दिया 2 लाख के करीब, वो हमने ये 2 चक्कों ने दिया 81 हमारे गांव ने, थोड़े थोड़े जीवियाँ कोई 10,000-12,000 पिछले गांवों ने दिया, वो हमने 2 लाख लगाया तो वो हमने ही 2 गांवों ने चंदा करके लगाया, तो सफाई करवाई हमने, जितने दिन मशीन चली उतने दिन चला दी, जितने दिन पैसे मुक गए फिर रुक गया काम, सफाई रहेगी। तो अध्यक्ष साहब एक बात और समझना चाहूँगा आपसे, जिस प्रकार आपका कार्यकाल जा रहा है और किसानों के लिए क्या कुछ प्राथमिकता मुद्दे हैं, किसानों के लिए क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और किसानों की मुख्य रूप से और क्या कुछ मांग है? मांग तो ये जब तक हम रहेंगे मैं मेरे 6 गांवों में किसानों को पूरा संजोग देता रहूँगा, जितनी भी मेरी कोई ज़रूरत हुई, जैसे मेरे को अभी बोल रहे हैं अभी नहर की सफाई करनी है, तो मैं जितना है भी उतना संजोग दूँगा मेरे 6 गांवों को। तो एक बात और समझना चाहूँगा अध्यक्ष साहब, मैं जिस प्रकार अभी किसानों का लगभग किसान आपसे संतुष्ट है, किसानों ने जो मसीहा चुना है तो बिल्कुल उन पर आप बरकरार उतरे हो, एक बात और समझना चाहूँगा कि किसानों की जो पीड़ा है वो आप प्रशासन तक पहुँचाते हो, तो क्या लगता है जिस प्रकार एक अच्छे नेतृत्व वाले नेता या मतलब अपने यूं कहें अध्यक्ष बन जाते हैं,
जो लगातार किसानों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनके साथ साथ ही जिस प्रकार आप अपने कह सकते हैं कि जो नक्कों की सक्शन होती हैं उनके लिए कुछ अध्यक्षों द्वारा जो कि बार बार किसानों से गेड़े कटवाए जाते हैं, लेकिन मामला फिर वहीं का वहीं रह जाता है, ऐसा कोई मामला समझ? बिल्कुल है जी, जैसे मेरे कई किसान हैं नक्का मांगते हैं, मैं खुद जाके उनको बोलता हूँ भैया आप एक्सचेंज की एप्लीकेशन लगाओ, वो एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है, नक्षत्र साहब भेज देते हैं जैसे चाहिए इनको के बोल दिया, हम यहाँ जाके मौका देखते हैं, मौका देख के उसका नक्के की पूरा मेरा वाटरमैन उसकी फैल बना देता है, जो आगे वाले पीछे वाले काश्तकार हैं उनके हम बयान खुद लेते हैं, खुद बयान लेके जो सहन बयान देता सही देता है तो उसके सही लिख लेते हैं, जो कहते हैं मैं नहीं खुश हूँ तो उसके नहीं लिख देते हैं, फिर वो हम यहाँ से जो है रिपोर्ट वो सही बना के भेज देते हैं। 100-200 रुपया नक्के की फीस होती है, मेरे तो अभी तक किसी ये प्रॉब्लम नहीं आई, करीब करीब मैं तो जितने कोई डिग्गी वाला आ जाता है, नई डिग्गी बन गई उसमें वहाँ नक्का नहीं है तो वो आ गया, मैंने तो उसको भी बना के दे दिया भी हम तेरा संजोग करेंगे, 2-3 के लिए आके नक्का है तो तेरे को दिलाएंगे। अध्यक्ष साहब, जिस प्रकार आज जन्माष्टमी पूरे प्रदेश भर में मनाई जा रही है, तो तमाम किसानों से क्या कुछ शुभकामना देना चाहते हो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य की? मैं तो बहुत बहुत सारे किसान भाइयों को सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो News 21 में अध्यक्ष साहब आपने 10 मिनट समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अध्यक्ष साहब, जिन्होंने बताया कि किसानों की हर पीड़ा समझने के लिए तैयार रहते हैं, जिस प्रकार किसानों की सेवा करने के लिए मुझे चुना गया है किसानों ने, तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं अपने आप में हर वक्त तत्पर तैयार रहते हैं और किसानों के लिए सक्रिय रहेंगे। 6 मोगों के जो 6 चक्कों के किसान हैं उनकी अगर कोई समस्या होगी उनके लिए, चाहे अगर कोई धरना भी लगाना पड़ा तो धरने पर भी बैठने के लिए हर संभव तैयार रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहें News 21 से, कैमरा सुखी गौरव के साथ निशांत अरुण, धन्यवाद।